वेलकम दोस्तों, मैं हूं मरिया मदीन, खुश आमदीद करती हूं आपको अपने चैनल टोटली क्यूट एंड ब्यूटीफुल मॉम्स में। दोस्तों, अभी जो मैं ये वीडियो लेकर आई हूं वो बिल्कुल क्रोशिया के बिल्कुल बिगनर्स के लिए है, और जो सीखना चाहते हैं और जो मतलब कोई कन्फ्यूजन है, जो नहीं सीख पा रहे हैं या उनको समझ में नहीं आ पा रहा है, उनके लिए है ये वीडियो, बिल्कुल बिगनर्स के लिए। और जिनको शौक है या पसंद करते हैं इस काम को बट लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं, ये मैं उनके लिए लेकर आई हूँ। अच्छा, फाउंडेशन सबसे पहले ये मैं आपको बताऊँगी, स्लिप नॉट बताऊँगी। सबसे पहले जो भी आप प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपको स्लिप नॉट ही बनानी होती है, उसके बाद आप फाउंडेशन चैन बनाते हैं, देन अपना आप काम, जो भी आपका काम है, जो भी प्रोजेक्ट है वो आप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के लिए आपने थ्रेड को या यार्न को अपने हाथ में इस तरह पकड़ के राउंड में दो फिंगर्स पे अपने घुमाना है। उसके बाद हमारे ये दो जो ये राउंड हमारे घूमे हैं, इसको जो पहला वाला जो राउंड है उसके नीचे से गुजार के अगले वाले राउंड को हुक में फंसा के हम बाहर निकालेंगे। फिंगर से पूरे नोट को निकाल के इस तरह थ्रेड पकड़ के हम स्लिप नॉट टाइट करेंगे। फिर ये वाला जो ये हमारा सिरा है धागे का या यार्न वुल का, वो हम इसको छोड़ के अगला इधर वाला पकड़ के उसको थोड़ा सा खींचेंगे और ये हमारी स्लिप नॉट हो गई ये टाइट। इसके बाद स्लिप नॉट बनाने के बाद अब हम बनाएंगे फाउंडेशन चैन। तो फाउंडेशन चैन के लिए आपने हुक में स्लिप नॉट जो बनाई है उसको हुक में ही रखेंगे। उसके बाद इस तरह से स्लिप नॉट पे अपनी ग्रिप पकड़ेंगे, ग्रिप करेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे ग्रिप उसको, स्लिप नॉट को बहुत लाइट सा प्रेशर दे के ऐसे आप पकड़ेंगे। उसके बाद आप आगे से जो धागा है या वुल है उसको अपने हुक में इस तरह से लपेट के करके आप इस तरह से अपने जो नोट है आपकी उसमें से आप बाहर निकालेंगे ये इस लूप में से। इसी तरह से आप अगला बनाएंगी, एक चैन बन गई है। उसके बाद दोबारा आप लपेटेंगे और वुल में से इस तरह से निकालेंगे, सॉरी लूप में से लपेटेंगे, फिर लूप में से इस तरह निकालेंगे, फिर लपेटेंगे, निकालेंगे, लपेटेंगे, फिर निकालेंगे, फिर लपेटेंगे, निकालेंगे। इस तरह से हमारी फाउंडेशन चैन बनके तैयार हो गई है। अब आप चाहें जो भी आपको काम बनाना होगा उसके लिए आप जितनी लंबी करना चाहें फाउंडेशन चैन आप लंबी करते जाएं, वो वर्क पे और प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन जो भी काम हम स्टार्ट करते हैं या करेंगे आगे, वो इसी तरह से स्लिप नोट के बाद फाउंडेशन चैन बनाएंगे, फिर अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो भी आपको सीखना, मतलब जो भी इसका बेसिक है, सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, डिक्रीज, इंक्रीज, मैजिक सर्कल, वो इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी। और उसके बाद आपको जो भी चीज़ें मेरी मतलब आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको सिखाती जाऊंगी, मेरे बैग्स होंगे उसमें, बेबीज कैप होगा, शॉल होगी और शूज़ होंगे, सैंडल्स होंगी बेबीज़, और स्वेटर्स हैं, फ्रॉक्स है, जो भी प्रोजेक्ट आप मतलब हैं सीखने में इंटरेस्टेड, वो सब मैं आपको सिखाऊंगी इंशाल्लाह एक एक करके। और अगर आपकी कोई फरमाइश हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो को आप देख सकें और सीख सकें जो आपको सीखना है। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।